गुड इवनिंग। ये वीडियो हम लोग जैम 2021 का बना रहे हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर सॉल्यूशन है। मेमोरी बेस्ड पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कुछ ऐसे है कि एक BCC लैटिस दिया हुआ है, जो कि मेटालिक लिथियम का BCC लैटिस दिया हुआ है, और पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट कितने होंगे, यूनिट सेल कितने होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 2/a³ है, ये डायरेक्ट आंसर कर लेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा आरएमएस वेलोसिटी पर दिया हुआ है। बोला है कि दो एटम्स हैं, एक की मास m और दूसरे की m' है, और आरएमएस दी हुई है, और टेम्परेचर एक का T है और दूसरे का क्या है, T2 है, और दूसरे का मास रेशियो जो है वो 16 टाइम्स है। ओके, इसका अगर ये है तो इसका 16 टाइम्स है, तो इस रेशियो पर हमें क्या निकालना है कि कौन सा एटम होगा, एटम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका, तो VRMS को सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। VRMS जो होगा वो होगा 3RT/m का अंडर रूट फॉर गिवन कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि 3RT/m एक के लिए और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 3RT/16m'। ठीक है, ये हमारे दूसरे एटम के लिए और ये फर्स्ट एटम के लिए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों को कंडीशन के हिसाब से दोनों वेलोसिटी इक्वल है। ओके, गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है कि दोनों को इक्वल करना है, तो 3RT/16m' इक्वल टू 3RT/m रूट, या हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/16m' इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, तो इससे क्या आया हमारा, m' इज इक्वल टू m/16 आया। और एक चीज़ देख रहे हैं हम कि VRMS जो होता है प्रोपोर्शनल होता है T/m के। ठीक है, तो फर्स्ट एटम के लिए तो ये हो जाएगा, सेकेंड एटम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड एटम के लिए हमारा हो जाएगा T/16m का अंडर रूट क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए T/16m' दोनों डैश होंगे T/m, दिस इम्प्लॉयज दैट m' जो होगा m/16 होगा, या और हमारा m इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि आंसर होगा आपका हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके लिए हमें बताना है कि ये कौन सा है, एलिप है, एक सर्कल है कि क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, y dy/dx + 3x = 0। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं y dy/dx = -3x, या अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y dy = -3x dx। ठीक है, या y²/2 = -3x²/2+c। अब गिवन क्या है, गिवन एक कंडीशन है कि y ऑफ ज़ीरो जो है, मतलब
इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो आएगा जब हम वाई को वन पुट करेंगे, मीन्स लाइक दिस वे वाई की वैल्यू हमारी ज़ीरो आएगी जब हम एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा, अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। ठीक है, तो अब जब हम ये सारी कंडीशंस पुट करेंगे, देखिए क्या आता है, वन यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री जो कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस कंडीशन से हमें ये मिल रहा है। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम देख सकते हैं इसको डायरेक्टली कि ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जिसमें सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस है आर और मास है एम। ठीक है, और वो अबाउट एक्सिस पर दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस एट आर बाई टू जो कि सेंटर से है। ठीक है, तो हम क्या होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर। दिस इम्प्लॉयज दैट एट प्लस फाइव बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू 318/20। ओके, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन जो कि वाई एक्सिस जो ये हमारा दो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिया हुआ है, और एक्स वाई एक्सिस पर पूछा है क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस पर एनर्जी आ जाएगी ई और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स पर है जिसका सिक्स दिया हुआ है ट्रेस और डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है वो एट है। सो इसका जो रूल होता है आइगन वैल्यूज़ का, वो डिनोट करा कि इसके दो आइगन वैल्यूज़ होंगे जो कि टू और फोर होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा जो है हमारा एक दिया हुआ है जो फंक्शन वो है ये फंक्शन। ठीक है, e टू द पावर कॉस एक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, टेलर सीरीज़ का कोफिशियंट निकालना है जो कि एक्स स्क्वायर पावर के है। तो हमारा जो टेलर सीरीज़ होती है वो क्या होती है, एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डैश एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर एफ डबल एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल और यहाँ पे वन फैक्टोरियल होता है, लाइक दिस वे। सो हम क्या निकाल रहे हैं, वाई हमारा क्या है, ई टू द पावर कॉस एक्स है। दिस इम्प्लॉयज दैट वाई डैश क्या हो जाएगा, ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, और वाई डैश क्या हो जाए, डबल डैश क्या हो जाएगा, ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो हम जो कोफिशिएंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या दिया हुआ है हमारा, ये एक जैकोबियन वाले प्रॉब्लम है जिसमें कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है हमारा सी जो कि एक्स वाई में है, और दूसरा है सी एक्स डैश वाई डैश में जिसमें एक्स डैश इस तरह से है
और y डैश, इस तरह से दोनों में रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे, इजीली जैकोबियन निकाल लेंगे, जो कि इस तरह के जैकोबियन 2, 3, -3 और 4, तो ये आ जाएगा हमारा 8 + 9 dx - dy। ओके, dx - dy। और फाइनली हमारा क्या निकला, 1/17 dx - dy। ठीक है, ये हमारा आंसर है।